नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान के मामले पर गारंटी मिल चुकी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर राणा सनाउल्ला ने कहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर गारंटी मिल चुकी है। एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राणा सनाउल्ला ने कहा कि नवाज शरीफ की अदालतों से बरियत तय है और उनके लिए जीरो रिस्क हो चुका है, जबकि इस मामले पर हमें गारंटी भी मिल चुकी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत से रिलीफ मिलना मुश्किल है, जबकि इलेक्शन की तारीख आगे जाने पर एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। राणा सनाउल्ला ने एक बार फिर इंकशाफ किया कि मई 2022 में इलेक्शन का फैसला हो चुका था और वजीर आजम की अलविदाई तकरीर भी तैयार थी, मगर चेयरमैन पीटीआई की तकरीर के बाद हिकमत अमली को तब्दील किया और इलेक्शन ना कराने का फैसला किया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से दो शेड्यूल तैयार कर लिए हैं, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की जाएगी और वो लंदन से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस मौके पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, जबकि परेड ग्राउंड में नून लीग का जलसा भी होगा। बाद अजान नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर बजरिया जीटी रोड रैली की सूरत में आएंगे और मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी करेंगे, जबकि लाहौर पहुंचकर बड़ा अवामी जलसा भी होगा, जिसको तारीखी बनाने के लिए मरियम नवाज और हमजा शहबाज को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया है। जराए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के दूसरे शेड्यूल में नवाज शरीफ की वापसी लाहौर एयरपोर्ट पर होगी, जहां उनका तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा और फिर लीगी कायद दाता दरबार पर भी हाजिरी देंगे।